वालों का तो काम है लोगों की सेवा करना, और जो एनडीए गठबंधन है हम लोग एकजुट होकर के लड़ रहे हैं। और यहां पर आप जानते हैं चर्चा, जब एमपी थे हम भी एमपी थे, लेकिन उस श्रद्धेय अटल जी की सरकार में हम रेल मंत्री थे, और जो इस इलाके के बारे में जो सोचते थे और बात करते थे उसी समय से हमने देखा कि भाई इलाके के विकास के बारे में और कहां क्या समस्या है जिसके बारे में इनको जितनी समझ है और जितनी दिलचस्पी है वो कम लोगों के पास होती है, इतनी ज्यादा दिलचस्पी हमने नहीं देखा। एनडीए विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के नेता जो यहां के उम्मीदवार हैं भाई मुकेश सहनी जी आज स्वाभाविक तौर पर अनुपस्थित हैं, क्योंकि कोरोना की जांच हुई थी तो उनका पॉजिटिव निकल आया था। हम लोगों की तो कामना है कि बहुत जल्दी उनका निगेटिव हो जाए और फिर वो आपके बीच में उपस्थित हो जाए। मैं सबसे पहले आप सब लोगों को हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आप धूप को बर्दाश्त करते हुए इतनी बड़ी संख्या में सभा में शामिल हुए, मैं इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। और अनेक वक्ताओं ने एनडीए के पक्ष में अपनी बातों को रखा है। हमारे दिनेश चंद्र यादव जी ने विकास के क्षेत्र में क्या काम हुआ है उसके बारे में कुछ बातों की आपको जानकारी दी, तो हम लोगों का तो काम है लोगों की सेवा करना, और जो एनडीए गठबंधन है हम लोग एकजुट होकर के लड़ रहे हैं। और यहां पर आप जानते हैं कि सिमरी बख्तियारपुर, अब सिमरी बख्तियारपुर से मेरा रिश्ता क्या है हम पहले भी आपको बता चुके हैं, मेरा जन्म हुआ है बख्तियारपुर में जो पटना जिला में है, अब यह है सिमरी बख्तियारपुर, इसका भी मतलब बख्तियारपुर। तो हम तो हमेशा जब से आए हैं तब से आपको बताए हैं, आपके साथ तो मेरा व्यक्तिगत संबंध है और आपके बीच अनेकों बार हम अपनी बात कहते रहे, और इस बार एनडीए गठबंधन की तरफ से इसमें जो विकासशील इंसान पार्टी शामिल हुई और इनके नेता मुकेश सहनी जी वही इस क्षेत्र से उम्मीदवार है, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वे इस क्षेत्र के उम्मीदवार हैं, यहां से उनको विजयी बनाइए यही हम आग्रह करने आए हैं, ताकि वे भी इस क्षेत्र के विकास के लिए खूब काम करेंगे, मेहनत करेंगे, हमको पूरा भरोसा है। तो हमको आपके बीच में आए हैं यही अनुरोध करने के लिए, और जो काम करते रहे वो तो सबको मालूम है, कुछ तो देवेश चंद्र यादव जी ने उसकी चर्चा कर दी, ये आज से नहीं शुरू से चर्चा, जब एमपी थे हम भी एमपी थे, लेकिन उस श्रद्धेय अटल जी की सरकार में हम रेल मंत्री थे, और जो इस इलाके के बारे में जो सोचते थे और बात करते थे उसी समय से हमने देखा कि भाई इलाके के विकास के बारे में और कहां क्या समस्या है जिसके बारे में इनको जितनी समझ है और जितनी दिलचस्पी है वो कम लोगों के पास होती है, इतनी ज्यादा दिलचस्पी हमने नहीं देखा। एक एक काम जो रोड बन रही है, ये रेल लाइन का निर्माण हो रहा था किस तरह से खगड़िया से जोड़ने के लिए, कौन काम नहीं होता, बहुत सारी बातों की चर्चा कर, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है।